अरे हम दोस्तों स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ में होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों बनाए थे हनुमान मूर्ति, उसी को आज कलर पेंट करना सीखेंगे तथा कलर पेंट करेंगे। पहले तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से व्हाइट कलर से पेंट कर देंगे सारे शरीर के सब तरफ। दोस्तों यदि आप लोग बनाने का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो का खत्म हो जाने के बाद। तो चलिए इसी प्रकार से पहले तो व्हाइट कलर से पेंट कर देते हैं। व्हाइट कलर देख सकते हो दोस्तों सिर्फ बालों पे और दाढ़ी पे छोड़ करके सब तरफ व्हाइट कलर पेंट कर दिए हैं। तो इसी प्रकार से पेंट कर देने के बाद अभी दोस्तों शरीर को पेंट करने के लिए कलर को मिक्स कर दिया हूँ। तो दोस्तों इसी कलर को मिक्स करने के लिए मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा ऑरेंज और थोड़ा सा येलो कलर और थोड़ा ज़्यादा करके वाइट कलर। तो इस तीनों को मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार कलर बन जाएगा। तो इसी को मैं शरीर पे पेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कलर भी बना सकते हैं दोस्तों, मैंने बस यहाँ पे तो इसी प्रकार से शरीर में सब तरफ पेंट कर देंगे। यदि दोस्तों हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो इसी प्रकार से दोस्तों बने रहिएगा अंत तक। शरीर के सारे तरफ पेंट कर देने के बाद अभी होठों के लिए दोस्तों कलर को थोड़ा बहुत मिक्स करना पड़ेगा रेड और थोड़ा सा रेड कलर ही मिलेंगे तो कुछ इस प्रकार का कलर बन जाएगा लाइट पिंक। तो इसी को हम वहाँ पे हथेली पे और होठों पे पेंट कर देंगे। होठों के ऊपर के जो होते हैं उसी जगहों पे दोस्तों होठों पे तो हम रेड पेंट करेंगे, मतलब रेड कलर से बनाएंगे। तो इसी प्रकार से पेंट कर देने के बाद अभी हनुमान जी के शरीर का जो कि मस्कुलर दिखने के लिए, मतलब थोड़ा और भी अच्छा दिखने के लिए बॉर्डर को थोड़ा बहुत इस प्रकार से ऑरेंज कलर से बना देंगे। दोस्तों शरीर को और बालों को तो पेंट कर चुके हैं, अभी पेंट कर रहे हैं धोती के ऊपर। धोती को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ रेड कलर का। तो दोस्तों यहाँ पे रेड कलर यूज़ करेंगे और बीच वाली को ग्रीन कलर से पेंट करेंगे। पहले ज्वेलरी को पेंट कर देते हैं, मुकुट ये सब को, तो इसीलिए दोस्तों वहाँ पे पेंट कर दे रहे हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से सारा गहने पे। दोस्तों आधा मूर्ति की तो कंप्लीट कर चुके हैं कलर पेंट करके, अभी बस ज्वेलरी और आँख का ये सब बनाना बाकी है। तो इसी को धीरे धीरे करके बना देंगे दोस्तों। वीडियो तो ऐसे करते रहेगा अब तक, मैं मिलता आप लोगों को ब्रेक और बनाए यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से गोल्डन पेंट करने के बाद, मतलब गोल्डन कलर से पेंट करने के बाद बीच वाली जो कि सावर होता है उसी के ऊपर हम ग्रीन कलर का पेंट करेंगे वहाँ पे। तो इसी प्रकार से चलिए दोस्तों बने रहना अंत तक। दोस्तों कुछ इस प्रकार से सबको बना देने के बाद हमारा मूर्ति कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि उसकी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो फाइनल लुक गदा को पकड़ देने के बाद।